मैं एक बात आप एक चंद लाइनों में कहना चाहता हूँ, तेल जले बाती जले और नाम दिया को होए, लल्लन खेले काऊ को नाम पिया को होए, ऐसा करके दिखाया है हमारे बीना की विधायक निर्मला सप्रे ने। जब जब मुख्यमंत्री आते हैं बीना के साथ छलावा करके जाते हैं, 20 साल हो गए हैं, 20 साल से कह रहे हैं कि बीना को जला बनाएंगे, बच्चा किसी का लालन पालन कोई और कर रहा है। ये कांग्रेसी सब सिर पे आपके ताज बैठा सकते हैं तो रोड पर भी ला सकते हैं। आप कहती हो बीना में संगठन नहीं है, यही संगठन ने जताया था, यही संगठन आपको रोड पर ला के खड़ा कर देगा जिस दिन उपचुनाव होंगे। हम कांग्रेसी सब एक हैं और एक रहेंगे। सागर संभाग का सबसे बड़ा गोल्ड एवं डायमंड कलेक्शन अजा ज्वेलरी यूनिक ज्वेलरी के साथ वो भी शहर में सबसे कम दामों पर भव्य शुभारंभ दिनांक 15 सितंबर पता याद रखिए, तिली तिराहा के आगे राजघाट रोड तिलीबाड़ सागर मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। इस वक्त हम बीना में मौजूद है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ आए। यहाँ की आवाम को उम्मीद थी कि बीना जिला बनेगा, लेकिन तमाम घोषणाएं कर गए लेकिन बीना जिला नहीं बना। और बहाना ये था कि हमने आयोग बना दिया है और आयोग के अलावा और आयोग जो पॉलिटिकल इसका लीडर होगा वो अब जो है इस पूरे मसौदे को तैयार करेगा। आने वाले कब आने वाले, अरे आखिर कब आने वाले दिन में बीना जिला बनेगा। लेकिन इतनी बात जरूर है, भारतीय जनता पार्टी का मंच था, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लेकिन क्या जरूरत थी कि वो महिला जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर यहाँ से विधायक बनी और बिना इस्तीफा दिए डॉक्टर मोहन यादव से मांगे कर रही है, वो उसे अपनी पार्टी का मेंबरान मान रहे हैं। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य नहीं, ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या है निश्चित तौर पर। जब सीएम के सामने वो महिला जो कांग्रेस के चिन्ह पर लड़ी है वो उस चिन्ह से इस्तीफा नहीं दिया, तो शायद ये दुर्भाग्य है। और ये दुर्भाग्य बीना में हमें देखने को मिला है। हम कुछ कांग्रेसियों से मुखातिब होंगे जो पुरजोर विरोध करते हैं कि शर्म नहीं आती, हमारे चिन्ह पर तुम चुनाव लड़ी और अभी तक इस्तीफा नहीं दे रही। बात बिल्कुल वाजिब है, चिन्ह आपका है, पार्टी आपकी है, आप लोगों ने मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी के मंच पर खड़ी है, कम से कम लोकतंत्र के हिसाब किताब से इस्तीफा तो दे देना चाहिए। जिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना घर छोड़ा, भूखे प्यासे पोलिंगों पर लड़े, कांग्रेस के लिए लड़े, निर्मला सप्रे को लड़े, विधायक बना के मध्य प्रदेश की विधानसभा में 25 साल बाद भेजा, मर हुआ जे ये विधायक निर्मला सप्रे मौज कर रही है कहाँ पे, मुख्यमंत्री के मंच पर। और हम लोग सब लोग आज जेल काट के आए हैं, जो हम लोगों को थाने में बंद किया गया, तब पुलिस ने दबाव किया, हम लोग अभी अस्थायी जेल में बंद रहे सुबह 10:30 बजे से। इतनी तानाशाही प्रशासन और विधायक की इस बीना में हो रही है। बीना जिला नहीं बना, पहली मांग हमारी बीना की जनता की, अगर जिला नहीं बनेगा तो बीना की एक आम जनता ने एक नारा दिया है, अमल नहीं तो कमल नहीं, अमल नहीं तो कमल नहीं, अमल नहीं तो कमल। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत मेहनत करके, एक एक कांग्रेसी ने महीनों से मेहनत की और उन्हें जिताया था, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि वह अंदर से इतनी गद्दार हैं। और यह बात आपने सही कही कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के पालन की शपथ लेते हैं, तो कोई भी कानून बनता है तो अनैतिकता के विरुद्ध बनता है, तो उनके विरुद्ध जब वो आरोपी हैं अभी, उनके विरुद्ध याचिका है या योग्यता की कार्रवाई की, तो मुख्यमंत्री जी को उनके साथ मंच साझा करना ही नहीं चाहिए था, या पहले उनसे इस्तीफा ले लेते फिर मंच साझा करते। आप अभी जो अभी वर्तमान में उनके लिए जो भी सैलरी मिल रही है, जो भी भत्ते मिल रहा है, वो तो कांग्रेस विधायक के नाम पे मिल रहा है, और सीएम साहब उनको आगे किए फिर रहे, तो ये तो सीएम को भी अपनी नैतिकता पर ध्यान रखना चाहिए, विधानसभा को भी उनका सीट चिन्ह बताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो बता नहीं रहे कि अभी उनका कोई आवंटन ही नहीं है सीट का। नहीं, वो आवंटन हो या ना हो, लेकिन अभी जब तक वो चुनी तो पंजे से गई, तो पंजे से सुनी गई तो आप अयोग्यता की कार्रवाई, 3 महीने का सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, मुश्किल से 20 दिन रह गए, या तो उन्हें दे देना चाहिए, या फिर नरेंद्र तोमर जी भी उनसे मिले हुए हैं, वो बार बार सार्वजनिक रूप से उनसे मिलते हैं, और सीएम साहब को भी उनको मंच साझा नहीं करना चाहिए था, पहले इस्तीफा ले सकते थे। कई लोग इस्तीफा देते हैं विचारधारा के आधार पर पार्टी छोड़ते हैं, लेकिन वो उसी दिन इस्तीफा दे देते हैं। ये तो ये बात हुई कि आप फायदे भी पूरे उठाना चाहती हैं विधायक पद के, उसके वेतन भत्ते भी लेना चाहती हैं, स्वेच्छा अनुदान बांट कर अपना चुनाव को मजबूत करना चाहती हैं, और इस्तीफा भी नहीं देना चाहती, तो इस बात बराबर निर्लज्जता तो कोई हो नहीं सकती।
अध्यक्ष जी क्या देखते हैं लोकतंत्र की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हत्या हो रही है? संविधान की ऐसी धज्जियां उड़ाई, एक तरफ तो विधायक ने इस्तीफा नहीं दिया, दूसरी तरफ जिस तरह से मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से ये खेल खेल रहे हैं, सीधी सीधी बात है, आप मंच साझा किया, आपको उसका इस्तीफा ले लेना चाहिए और जो कार्रवाई होती है वैधानिक वह करना चाहिए। इस तरह का खेल पूरा संविधान के साथ धोखा है और जनता के साथ जो विश्वासघात निर्मला सपने ने विधायक बन के किया, पूरा कांग्रेस जिला संगठन ने मेहनत की, एक ही सीट कांग्रेस की आई थी, बीना के लोगों ने रात दिन मेहनत करके उन्हें जिताया, उसके बाद वो तो धोखा दिया ही दिया। मध्य प्रदेश की सरकार नियमों और कानून के माध्यम से, पर्दे के पीछे के माध्यम से और सामने जनता के साथ, मध्य प्रदेश की जनता के साथ और बीना की जनता के साथ धोखा और छल कर रही है। इस तरह कानून का सीधा उल्लंघन है, इस तरह से ओछी मानसिकता और छोटी मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव के नेतृत्व में की जा रही है, इसके सहम सहम करना और शर्मसार है। और संविधान को बचाने के लिए आमजन और प्रजातंत्र की हत्या ना हो उसके लिए हम कांग्रेस जन सड़क पर है। रात इंदौरी की बड़ी अच्छी लाइन है, ये बीना किसी का नहीं, ना भाजपा का है ना कांग्रेस का है, ये जनता का है। राहत इंदौरी की जो लाइन हम पढ़ रहे हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, ये लाइन हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप नैतिकता के आधार पर, संवैधानिक तौर पर, सरकारी मंच पर किसी अयोग्यता अयोग्य व्यक्ति जो विधायक है उसको अगर शामिल करते हैं तो इसका जवाब आपको विधानसभा में देना होगा। ये नियम कहते हैं एक कांग्रेस के चिन्ह पर विधायक जो डर रही है, डर क्यों रही है? डर इसलिए रही है कि अगर बीना जिला बन जाता तो आराम से जीत जाती, वो आराम से मंच पर इस्तीफा दे देती। डर इसलिए है कि बीना की जनता ने तुम्हें इस बात से विधायक बनाया था कि तुम बीना के जिला बनने के लिए लड़ोगी और वो भी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन डर ये है कि जनता में बगावत के सुर गूंज रहे हैं, अमल नहीं तो कमल नहीं का डायलॉग चल रहा है। मैं एक बात आप एक चंद लाइनों में कहना चाहता हूँ, तेल जले बाती जले और नाम दिया को होए, लल्लन खेले काऊ को नाम पिया का हो, ऐसा करके दिखाया है हमारे बीना की विधायक निर्मला सपरे ने। आज पूरी जनता ने जो मैंडेट दिया था वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया था, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने, लेकिन बीना विधानसभा की जनता ने केवल भारतीय जनता पार्टी और केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैंडेट दिया था और वही मैंडेट के खिलाफ इन्होंने खुद उसी मैंडेट के खिलाफ जाके भारतीय जनता पार्टी में चली गई। मुख्यमंत्री जी को यह सोचना चाहिए, संविधान होता है, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप प्रदेश के मुखिया होने के नाते आपको यदि विधायक से पहले इस्तीफा दिलाना था फिर उनको मंच साझा कराना था। मैं जी चाहती हूँ निर्मला सपरे जो है उनको इस्तीफा देना चाहिए, और जो अगर वादे करके गई थी वो कुछ वादे अभी उनने किए नहीं है, झूठ बोल रही है वो। जब जब मुख्यमंत्री आते हैं बीना के साथ छलावा करके जाते हैं, 20 साल हो गए हैं, 20 साल से कह रहे हैं कि बीना को जिला बनाएंगे, बच्चा किसी का लालन पालन कोई और कर रहा है, ये कांग्रेस जी सब सिर पे आपके ताज बैठा सकते हैं तो रोड पर भी ला सकते हैं। आप कहती हो बीना में संगठन नहीं है, यही संगठन ने जताया था, यही संगठन आपको रोड पर ला के खड़ा कर देगा जिस दिन उपचुनाव होंगे। हम कांग्रेस जी सब एक हैं और एक रहेंगे, हम सभी कांग्रेसी एक हैं और एक रहेंगे। बीना को जिला नहीं बनाया, ये झुंझुना देते आ रहे हैं, झुंझुना पकड़ा दिया है लोगों को कि बीना जिला बनाएंगे और बीना को जिला नहीं बनाया है, इसलिए बीना में जिला नहीं तो कमल भी नहीं। एक मिनट, हमें कांग्रेसी यही भी मांग करते हैं कि जो दल बदल कानून है उसमें एक धारा जोड़ी जाए, जो लोग दल बदल को प्रोत्साहित करते हैं उन्हें भी किसी न किसी धारा में आरोपी बनाया जाए, और अगर ऐसा होता है तो मोहन यादव भी आरोपी बनेंगे क्योंकि यह नैतिक रूप से उचित है। नए जिले बने, इतने नए जिले बने, किसी भी जिले में आयोग की कोई बात नहीं आई, लेकिन बीना को जिला बनाने के समय आयोग की बात आ गई कि परिसीमन करेंगे, काय का परिसीमन, ये छलावा है, परिसीमन तो केंद्र सरकार, जिले का परिसीमन करेंगे इनका ये कहना है, लेकिन वो केंद्र सरकार का विषय है, लेकिन वो आयोग की बात कर रहे हो तो आयोग की बात करना बेईमानी है, छलावा है बीना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का कल अपमान किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, होर्डिंग जो है सामने लगाए गए, सरासर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान किया, राष्ट्रपिता का अपमान किया, मुख्यमंत्री से बड़े नहीं हो। आज मुख्यमंत्री जी के आगमन पर यह बात सिद्ध हो गई कि बीना विधायक ने जिस दिन से भाजपा की शपथ ली है तब से वो बीना की जनता को
सिर्फ ये बात कहकर अपनी गद्दारी छुपाना चाह रही थी कि मैं बीना को जला बनाने के लिए भाजपा में गई हूँ। यदि उनका उद्देश्य बीना को जला बनाना था तो 50 दिन से बीना जला बनाओ समिति से बीना में धरना हो रहा था, एक भी दिन वो उस धरने का हिस्सा नहीं बनी। उनका हक, उनकी सोच सिर्फ लोगों का अधिकार छीनना है। पहले उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अधिकार छीना भाजपा में जाकर, आज जला बीना नहीं बनाकर उन्होंने बीना की जनता का भी अधिकार छीना है। उनका उद्देश्य सिर्फ उपचुनाव में जीतना है, चाहे जनता को मूर्ख बनाना पड़े या झूठे वादे देना पड़े, उनका मकसद सिर्फ जीतना है। भाई साहब, छात्रों के लिए जो ये बात करके गए हैं कि हम ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाएंगे, ITI ऑलरेडी धनोरा में है पहले से और पॉलिटेक्निक किए के कोरी घोषणा करके गए हैं, इसके बाद अगर इनको शिक्षा की बात करना थी, इनको अगर शिक्षा की बात करना थी CM साहब को, तो राज्य यूनिवर्सिटी दर्जा की कह देते ना। मैं दुबे जी, मैं एक बात कहूँगा, ये भाजपा वाले बड़े सनातनी बनते हैं, तो इस सनातनी इनको धर्म भी याद कराओ कि जे बताओ तुम्हारे पिताजी मरे अभी 4-5 ही दिन हुए हैं, ना मुंडन किया ना कुछ, सूतक में जे आ गए, बीना का जे दुर्भाग्य है, जे का घोषणा करके गए, जे बनाएंगे वो बनाएंगे, ये कैसे बनाएंगे जब आपने ना बाल दिए ना कुछ किए, और आप यहाँ जोत भी जला रहे हैं आप सरस्वती माता की, जय ईश्वर की पूजा कैसे नहीं कर, 13 दिन बाद 13 ही हो, जब बताओ बुंदेलखंड में 13 दिन बाद 13 ही होती है, उसके बाद शुद्धताई होती है, ये सूतक में आ गए, तो बीना का जो दुर्भाग्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी बरहमेश ऐसे टाइम पे आती है वो बीना के साथ छलावा करके जाती है, जैसे 25 साल से छलावा कर रहे, जब 7वीं घोषणा है जमाने भर की, जो घोषणा पहले भी हो सकती है। कांग्रेस विधायक ने बीना कांग्रेस को धोखा दिया है और बीना के मतदाताओं को भी धोखा दिया है, और ये संकल्प लिया है बीना की जनता से बदला लेगी, फिर से कांग्रेस का विधायक बनेगा, ईमानदार बनेगा और वो नहीं जाएगा। पहले तो मैं सागर एक्सप्रेस का बहुत स्वागत करता हूँ बीना में, और आपकी तो हम आवाज़ की और निष्पक्षता के बहुत मुरीद हैं। निर्मला सप्रे ने आज मंच से जो लोगों को पहले से एक आश्वासन दिए थे कि मैंने पार्टी बदली है बीना को जिला बनाने के लिए और बीना को विकास के अहम मुद्दों के लिए, लेकिन आज एक भी ऐसी ठोस घोषणा नहीं हुई CM साहब के आने के बाद भी। बीना के लिए एक झुंझुना मिला है और गुमराह किया है केवल चुनाव जीतने के लिए, उपचुनाव की ये उसके जीतने की लालसा है और छलावा हुआ है बीना के साथ, ये कांग्रेस के लिए छल कपट किया और अब भाजपा के साथ घूम रहा है। अगर वो जिला बनाना चाहती और आज जिला नहीं बना था तो मंच पे से वो भाग आती विरोध करके, वो आत्मीयता से जिला बनाओ नहीं चाहती, वो किसी कीमत पर बीना से जीत नहीं सकती क्योंकि उसने जिला नहीं बनवाया, उसने अपनी झोली भरी है और हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की है, और इस गद्दारी की सजा हम कांग्रेसी जरूर देंगे उसको निश्चित रूप। वो तो बात उठाओ, जो सर्वोच्च न्यायालय ने जिस मानसिंह पटेल की अपहरण के लिए जो SIT बनाई है उसकी निष्पक्षता की जांच कैसे होगी, जिस मंत्री के नाम से FIR दर्ज है वो जिले में मंत्री अभी कार्य में है, तो सबसे पहले तो उस मंत्री को गोविंद सिंह राजपूत जी को इस्तीफा देना चाहिए, तो इस्तीफा भी तो देना चाहिए। संज्ञान में मैं फिलहाल बीना में है, और बस बात सिर्फ इतनी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार जब तक किसी चिन्ह से आप विधायक बनती हो उससे इस्तीफा नहीं दिया जाता तब तक आप उसी दल की मानी जाती हो। निश्चित तौर पर आज महेश राय लाचार बेबस दिखे, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जो कांग्रेस के चिन्ह से विधायक हैं यहाँ पे वो बहुत पावरफुल मिली, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की दम पर यहाँ गरजती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या उसका कोई आधार नहीं? आज महेश राय की तोहीन हुई है जो भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के विधायक हैं और एक लाचार बेबसी के साथ मंच पर बैठे रहे। क्या गुनाह था उनका, क्या कसूर था उनका, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ उनने छलावा किया था जो उनकी तोहीन हो रही है? तो ये गुटबाजी का दौर है, और गुटबाजी के दौर में कुछ नेता चाहते हैं कि निर्मला सप्रे आगे आए और वो विधायक बने, लेकिन बीना की जनता ने साफ कर दिया जहाँ अमल नहीं वहाँ कमल नहीं। पुष्पेंद्र राजपूत, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बीना। सागर संभाग का सबसे बड़ा गोल्ड एवं डायमंड कलेक्शन अजा ज्वेलरी यूनिक ज्वेलरी के साथ वो भी शहर में सबसे कम दामों पर भव्य शुभारंभ दिनांक 15 सितंबर पता याद रखिए, तिली तिराहा के आगे, राजघाट रोड, तिली बाड़, सागर, मध्य प्रदेश।